Yes. Okay. हाय दोस्तों, मैं अभी हूँ इस समय कैंडी में और ये है मेरा तीसरा दिन श्रीलंका में। तो आज मैं जा रहा हूँ कैंडी से एलआर। तो बस सुबह के 8 बज गए हैं, अब मैं यहाँ जाऊँगा एलआर के लिए। और ये हॉस्टल जहाँ पर मैं रुका हूँ, ये हॉस्टल की छत है। ये हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है, तो अगर आप में से कोई भी आए यहाँ पर तो मैं तो भाई ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। एंड इसका हॉस्टल का नाम जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, हॉस्टल का नाम है सिटी स्टे कैंडी। तो बस अब मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ और यहाँ से जाना है, बस लेना है। और पहले हम लोग जाएंगे नुवारा एलिया, वहाँ से चेंज करेंगे बस, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बस शायद है या टाइमिंग नहीं बैठेगा या कुछ है दिक्कत, तो वही चीज़ें। तो बस यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से मैं चलता हूँ सीधे एला के लिए। एला यहाँ से लगभग 4 घंटे लगेंगे। और रास्ते का जो जर्नी की खूबसूरती है वो भी अगर मैं हो सकेगा तो दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो बहुत फेमस है वो खूबसूरती। तो बस ये आप लोग अभी यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या नज़ारा यहाँ से। बस टू नुवारा एलिया फिर। अभी मैं बैठ गया हूँ आके बस के अंदर और ये बस ले जाएगी नुवारा एलिया तक। तो ये बस है एसी बस, और ट्रेन आज अवेलेबल नहीं थी क्योंकि स्ट्राइक थी वहाँ पर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब बस से ही जाएंगे। तो जो ट्रेन का ट्रैक है और मेरे ख्याल से रोड का ट्रैक तो पैरेलल ही रहता है, तो नज़ारे देखने को इससे भी मिलेंगे अच्छे वाले। और एला पहुँचने में लगभग अभी हमको लग जाएगा 7 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे यहाँ से नुवारा एलिया, देन 3.5 आवर फ्रॉम नुवारा एलिया टू एला। और ये बस का टिकट है 250 रुपये इनकी करेंसी में। तो अभी रास्ते में जो बस से हम लोग आ रहे थे उसका टायर फट गया, और उधर वो लोग चेंज कर रहे हैं टायर। और इधर का नज़ारा भी देखने का मौका मिल गया इसी बहाने सही है। और काफ़ी खूबसूरत है इधर, मैं दिखाता हूँ आपको कैमरे में। तो अभी बस यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं, हमारे साथ एक श्रीलंकन है, ये तमिल है और ये रहते थे कैंडी में। तो इनके साथ एक और इनकी ट्रैवलर थी फिलीपींस से, तो ये आए हैं। तो व्हाट इज योर नेम? आई एम सजाद। आई एम दिव्यांश। ओके सर, नाइस टू मीट यू। या नाइस टू मीट यू टू। सो यू आर गोइंग टू नुवारा एलिया? या, मी एंड माय फ्रेंड फ्लोशा। फ्लोशा? या, शी इज फ्रॉम फिलीपींस and we are going to Nuwara Eliya to see somewhere and we'll spend one day there. Okay. Yeah, and mostly we will leave the Nuwara Eliya tomorrow. Mm-hmm. And she'll go to country, her country day. So after she will go back after 2 days. Yeah. And what about you? I'll return to Kandy again. Yeah, because so I'm a university student. Okay. What are you studying? A medicine. Medicine? Yeah. Oh, I'm doctor too. Really? Yeah. Whoa! So, I'm doing MBBS. You have done MBBS? No, I'm doing MBBS. Still, I'm in third year. I'm in fourth year. Just a minute. Really? अरे ये भी मेडिकल के स्टूडेंट ही हैं, थर्ड ईयर में मैं फोर्थ ईयर में। हेलो। I really didn't believe that. Yeah, no, actually it's in Hindi, but you will see, you know, yourself in in YouTube. Yeah, because I was going to follow you. Your video. Yeah, I also. Specifically that Hello, video you can show to your friend that I met with an okay, Indian. Okay. So still the repairing is going on, and with me there is one lady from Philippines. What is your name, lady? My name
is closer. Double. So you're traveling solo? Yes, I am. This will be my first time to travel alone. Okay. Usually I'm traveling with my friends and my brother. Even if my first trip, I'm traveling totally alone. Okay. So where in Philippines? In the city? I am from Mindoro. Yeah. I heard about that. Okay. But yeah, the beaches are very beautiful. Yeah, most especially in Mindoro. Beaches are so nice. You can find it. Definitely I will make a plan to Philippines. Yes. Okay. Yeah, I think the repair has been done. Okay. That's finished. Yeah. लग रहा हो गया इनका रिपेयर, ये सामान था कुछ रखा हुआ. अब चलते हैं बस के अंदर. तो मतलब ट्रेन तो नहीं मिली, लेकिन ये बस की राइड भी बहुत सुंदर है. बाहर ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि भाई हमारे इंडिया का कश्मीर है एकदम. यहाँ पर कश्मीर या दार्जिलिंग ऐसा कोई बहुत बढ़िया जगह है. तो जब अगर ट्रेन राइड अगर लिया होता मैं तो वाकई में वो बहुत खूबसूरत होती. लेकिन कोई नहीं, इधर से भी नज़ारे के मज़े ले ही रहा हूँ मैं. काफ़ी खूबसूरत है बाहर. एक टनल भी आ गया है. तो हमारे साथ एक और डॉक्टर बैठे हुए हैं. व्हाट इज योर नेम? अमित. तो पहुंच गए नुवारा एलिया और बस अब यहाँ पर सामने पोस्ट ऑफिस है, वो देख लेता हूँ. वो भी काफी फेमस इधर. वो बस आ गई सामने से. So it was nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Bye bye. Enjoy your travel. तो यहाँ पर भाई ये एक पोस्ट ऑफिस है जो कि शायद ब्रिटिशर्स जब आए थे यहाँ कैप्चर किए थे श्रीलंका पर, उससे पहले का बना हुआ है. और बिल्डिंग अब काफ़ी खूबसूरत है. नुवारा एरिया का है ये पोस्ट ऑफिस. बस स्टेशन के ठीक सामने ही है. ये नुवारा एलिया जो है ये श्रीलंका का बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन लग रहा है. तो मैं सोच रहा हूँ एक आध दो पॉइंट यहाँ कवर कर लूँ. तो जो 7 सिटीज़ कवर करनी थी 8 सिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा पहले प्लान नहीं था यहाँ का. पहले प्लान था डायरेक्ट ट्रेन लेने का, लेकिन अब जब यहाँ आया ही हूँ तो 2-3 पॉइंट कवर कर लेता हूँ. तो मेरे पीछे मैंने कवर कर लिया एक पोस्ट ऑफिस जो कि बहुत पुराना है. उसके अलावा अभी एक टेम्पल है, वहाँ जाऊँगा. इससे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी, पहले कुछ खा लूँगा फिर आगे बोलूँगा. तो एक रेस्टोरेंट में आके बैठा हूँ अभी और यहाँ पर मंगा लिया एक करी और एक रोटी. तो ये फटाफट खा लेता हूँ कि 100 रुपये का है. अच्छा, तो नुवारा एलिया की वादियों में मैंने एक ऑटो हायर कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ सीता अमान टेम्पल. यहाँ पर रावण ने माँ सीता को कैप्चर करके रखा था और सीता माँ भगवान राम की पूजा करती थी, उन्हें याद करती थी. तो एक मंदिर है तो उसको मैं देखने जा रहा हूँ. तो इनसे सेटिंग कर लिया ऑटो वाले से, 600 में मांग रहे हैं. तो ये हॉर्स रेसिंग पॉइंट है. इट्स अ ट्रैक हियर. ओके. हाँ, यहाँ पर घोड़ों की दौड़ होती है. हॉर्स ट्रैक है ये. श्रीलंका हाईएस्ट माउंटेन पिदुरु तलागल. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट माउंटेन? पिदुरु तलागल. पिदुरु तलागल.
okay. And this is Gregory Lake. Lake, Gregory Lake. Okay. तो मेरे पीछे है सीता रामायण टेम्पल और यही टेम्पल है जहाँ पर रावण ने माँ सीता को बंदी बना लिया था और यहीं पर रखा था और सीता माँ अपने पति भगवान राम की यहीं पर पूजा करती थी और रावण ने उनको यहीं पर बंदी बना के रखा था। तो ये मंदिर उन्हीं का है और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जय बजरंग बली, बजरंग बली का मूर्ति है इधर दोनों तरफ। तो इस जगह को अशोक वाटिका सीता टेम्पल ही बोलते हैं और कहानी कुछ ऐसी है कि जब हनुमान जी आए थे यहाँ सीता जी से मिलने तो हुआ क्या कि उन्होंने एक अंगूठी दी सीता माँ को जो कि श्री राम ने दिया था हनुमान जी को जैसे कि सीता माँ पहचान सके हनुमान जी को। तो उन्होंने दिया तो वो पहले तो पहचान नहीं पाई थी हनुमान कौन है हनुमान, लेकिन जब उन्होंने ये अंगूठी दिखाई कि श्री राम ने मुझे भेजा आपसे पास आपके पास, तब वो पहचानी कि हाँ कि हनुमान भी श्री राम के भक्त हैं। तो बस यही कहानी है यहाँ पर और यह जो हमने दिखाया अभी यहीं पर सीता माँ का स्नान का स्थल था, यहीं पर वो बंदी थी, यहीं पर श्री राम के भक्त हनुमान जी आके मिले थे जो कि इस टेम्पल के बाहर भी मूर्ति में भी हैं हनुमान जी। बस यही है इसकी खासियत। तो दुरिया एलिया में ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इसको ज़रूर कवर करना चाहिए अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो, क्योंकि बचपन में कहानी बहुत सुनी है, अगर कुछ उससे रिलेटेड देखने को मिले तो भाई मज़ा ही आ जाए। तब तो जब सीता राम से मिली थी तो उन्होंने एक अग्नि परीक्षा दी थी, तो वो सीता देवी अग्नि प्रवेशा प्राचीन मंदिर भी है आगे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। सो यू आर तमिल और सिंगला? सिंगला। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तमिल एंड सिंगला? Tamil some Muslims generally and Sinhala follow? Sinhala. Hindi. People Sinhala. Next Tamil. Next Tamil. Muslims. Majority are Sinhala. तो सीता टेम्पल से ले लिया मैंने एक बस वैली मारा के लिए, वहाँ से फिर दूसरी बस लेके बंदर पहला, देन वहाँ से जाएंगे हम लोग पहला। बस अभी बस में बैठ गया हूँ और अभी बज रहे हैं 12:30।